गुणि अधिकार गुण अधिकार लक्षणानि कानि लक्षण कौन कौन है तो कहते हैं लक्षण दो प्रकार का है एक सामान्य और एक विशेष सामान्य जो सब में पाया जाता है और विशेष जो स्पेशली किसी में पाया जाता है सामान्य जो सबकी पहचान कराता है और विशेष जो उसकी स्वयं की पहचान सबसे अलग करा देता है वो कहलाता है विशेष और सामान्य कितने प्रकार का सामान्य 10 प्रकार का और विशेष 16 प्रकार का अब चलते हैं सामान्य की ओर सामान्य कितने प्रकार का 10 प्रकार का अस्तित्वम वस्तुत्वम द्रव्यत्वम प्रमेयत्वम अवलघुत्वम प्रदेशत्वम चेतनत्वम अचेतनत्वम मूर्तत्वम अमूर्तत्वम द्रव्याणां 10 सामान्य गुणः अस्तित्व वस्तुत्व द्रव्यत्व प्रमेयत्व अवलघुत्व प्रदेशत्व चेतनत्व अचेतनत्व अमूर्तत्व अमूर्तत्व ये 10 सामान्य गुण हैं जितनी बार बोलोगे उतना याद होगा इसलिए बिल्कुल आलस नहीं करो हमने बोल दिया छोड़ दिए नहीं बार बार बोलो इनको तो इतनी बार बोलो कि इनका नाम मुख पर आ जाए क्योंकि बहुत सारे लोग इनका उच्चारण भी मुख से नहीं कर पाते इसलिए बार बार इनको बोलो फिर से एक बार अस्तित्वम वस्तुत्वम द्रव्यत्वम प्रमेयत्वम अवलघुत्वम हाँ संस्कृत में होती है हिंदी में नहीं होती अस्तित्व अकेला बोलते वस्तुत्व अकेला बोलते हम संस्कृत से पढ़ रहे हैं ना क्योंकि हम हिंदी खोले तो ना हम तो संस्कृत खोले हुए हमको पंडित जी कहते थे कि जब पढ़ाओ तो संस्कृत से पढ़ाओ जिससे पढ़ने से बुद्धि बढ़ेगी इसलिए जब टीका पढ़ाएंगे तो हिंदी से पढ़ाएंगे और जब रिवाइज कराएंगे तो संस्कृत से ऐसे तब कौन सूत्र पढ़ना ठीक है उससे क्या होगा उससे आपकी बुद्धि को मेहनत करने का समय मिलेगा हिंदी नीचे लिखी जाएगी तो हिंदी पर बुद्धि जाएगी जब हिंदी सामने होगी नहीं तो कहाँ जाएगी बुद्धि संस्कृत पर जाएगी और एक बार जिसको संस्कृत समझ में आ गई उसको दुनिया की कोई किताब समझने की जरूरत नहीं सब समझ में आएगा अपने आप शब्द तो बोलेंगे हमारा अर्थ यह है चलो आगे अब पूछता है कि भगवान आपने सामान्य से 10 गुण कह दिए तो क्या प्रत्येक द्रव्य में 10 गुण एक साथ पाए जाते हैं उत्तर देते हैं नहीं क्या कहते हैं सूत्र नंबर 10 प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां इसको ऐसे भी पढ़ते प्रत्येक मष्टौ सर्वेषां प्रत्येक मष्टौ सर्वेषां प्रत्येकम अष्टौ सर्वेषां प्रत्येक में 8 हमेशा होते हैं मतलब यह 6 द्रव्यों को क्रम से जमाओ जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल तो इन 6 में नियम से हर एक में 8 गुण होंगे हाँ यही तो विशेषता है इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं नहीं तो आपको समझ में आ गया था अब आगे समझना है कि जीव में क्या है तो 6 सामान्य सम में अस्तित्व वस्तुत्व दिव्यत्व प्रमेयत्व और लघुत्व प्रदेशत्व ये 6 सम में है अब जीव में हमेशा चेतनत्व है बाकी सब अचेतनत्व है और जीव अकेला नहीं पुद्गल अकेला मूर्तित्व है बाकी सब अमूर्त है ठीक हो गया अब इसमें 8 लगा लिया आगे समझ में मंजू जी 8 समझ में आ गए कैसे लगाएंगे चलो जीव में लगा के बताओ हाँ बना सकते चलिए बताइए
जीव में, ठीक अभी जीव में लगाना, जीव में चेतन तत्व, बहुत अच्छा, एक अमूर्त तत्व, ठीक। चलिए पुद्गल में लगाइए, अमूर्तत्व की मूर्तत्व, मूर्तत्व और अचेतनत्व, बहुत अच्छे। चलिए आकाश में लगाइए, डिस्पुर फिर से अचेतनत्व, बहुत अच्छा, और अमूर्त, बहुत अच्छा। चलिए वीणा जी आकाश में लगाइए, छह वो के वही आगे, ठीक बहुत सुंदर, मतलब सबको आ गया, बादाम खा के आए लगता, चलो आ गया। अब बताते हैं विशेष गुण, विशेष गुण कितने हैं, 16। कौन कौन से देखते हैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्याणि स्पर्श रस गंध वर्ण गति हेतुत्वम् स्थिति हेतुत्वम् अवगा हेतुत्वम् वर्तना हेतुत्वम् चेतनत्वम् अचेतनत्वम् मूर्तत्वम् अमूर्तत्वम् द्रव्याणां षोडश विशेष गुणः। अब फिर से बोलिए, स्पर्श रस गंध वर्ण गति हेतु स्थिति हेतु अवगाह हेतु वर्तना हेतु चेतन और अचेतन मूर्तत्व और अमूर्तत्व, ये इन्होंने 16 गुण बताए। अब इन 16 गुणों में किसमें कितने पाए जाते हैं, क्या 16 के 16 पाए जाते हैं, तो कहते हैं नहीं, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः सत्, प्रत्येकम जीव पुद्गलयोः सत्, प्रत्येक जीव और पुद्गल में सत 6 पाए जाते हैं। अब कौन से पाए जाते हैं, जीव के देखें, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य चेतनत्व और अमूर्तत्व, ठीक। पुद्गल में लगाएंगे तो स्पर्श रस गंध वर्ण और अचेतनत्व और मूर्तत्व, फिर आगे और अन्य द्रव्यों में लगाए तो कैसे लगाएंगे, तो कहते प्रत्येक इतरेषां प्रत्येकम त्रयोदश, नहीं इतरेषां प्रत्येकम त्रयो गुणः, इतरेषां प्रत्येकम त्रयो गुणः, इतरेषां मतलब बचे हुए शेष धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य में प्रत्येकम प्रत्येक में त्रियो गुण, तीन तीन गुण होते हैं। कैसे लगाएंगे, तो पहले लगा के बताएंगे आशा जी, धर्म द्रव्य में तीन गुण कौन कौन से, गति हेतुत्व अचेतनत्व और अमूर्तत्व, बहुत अच्छे। चलिए आप, हाँ अधर्म द्रव्य में स्थिति हेतुत्व अमूर्तत्व अचेतनत्व, बहुत अच्छे। चलिए आप आकाश द्रव्य में, बहुत अच्छे, अवगाहन हेतुत्व अचेतनत्व अमूर्तत्व। चलिए काल द्रव्य में पीछे, हाँ काल द्रव्य में वर्तना हेतुत्व अचेतनत्व और अमूर्तत्व, बहुत अच्छे। चलो इस प्रकार ये विषय आपका स्पष्ट हुआ। अंतिम सूत्र में कहते हैं अंतस्कास चत्वारो गुणः
स्वजातिपेक्षया सामान्य गुणा विजातिपेक्षया तायेव विशेष गुणा विशेष गुणा अंतस्ताश्चत्वारो गुणा स्वजातिपेक्षया सामान्य गुणा विजातिपेक्षया तायेव विशेष गुणा कहते हैं अंत में स्थित चत्वारो गुण अंत में स्थित चार गुण कौन कौन से चेतनत्व अचेतनत्व मूर्तत्व अमूर्तत्व ये चारों स्वजातिपेक्षया अपनी जाति की अपेक्षा सामान्य गुण हैं और जब किसी दूसरे से कंपटीशन किया जाएगा कंपैरिजन किया जाएगा तो विजाति मतलब दूसरे की अपेक्षा कैसे हैं विशेष गुण हैं इति गुण अधिकाराय नमो नमः इस प्रकार यह गुण अधिकार पूरा हुआ।